नई दुनिया और रेसकोर्स रोड नवदुर्गा मंडल के संयुक्त गरबा आयोजन रासोल्लास में सप्तमी के दिन भी उत्साह चरम पर था। हर ओर से भक्ति और गरबे के रास में उल्लास की हरितिमा थी। सातवें दिन अभय प्रशाल हरे रंग से सराबोर था। खुशहाली के इस रंग में रंगे प्रतिभागी गरबा रास से मां अंबे को प्रसन्न करने का जतन कर रहे थे। हिरल कमानी गर्ग का ताल ग्रुप अपनी जोरदार परफॉर्मेंस से हर पल उत्साह को बढ़ा रहा था। पहले राउंड में घेरे के फॉर्मेशन में पारंपरिक गरबा हुआ। ग्रीन कलर का रखा गया था, आज सभी ने ग्रीन कलर का पहना था और करीबन 500 लोग होंगे परफॉर्मेंस करते समय। यहाँ पे थीम रखे जाते हैं अलग अलग दिन के, प्रॉपर प्रैक्टिस होती है 10-15 दिन पहले से, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आज जैसे कि हमारा ग्रीन थीम था तो आपने देखा होगा सब लोग यहाँ पे ग्रीन थीम में हैं। और म्यूज़िक आज हम लोगों ने आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर टाइप के बीट्स म्यूज़िक में थे, तो आज हमने काफ़ी इन्जॉय किया, म्यूज़िक इन्जॉय किया, डांस इन्जॉय किया, ड्रेसिंग काफ़ी अच्छा है आज सब लोगों का, ऑल ग्रीन ग्रीन ग्रीनरी दिख रहा है। हर डे फिक्स होता है, हर डे अलग अलग कलर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे कलर्स हम लोगों ने कवर किए हैं। धीमे बीट्स के साथ जैसे जैसे बीट्स हाई होती गई तो प्रतिभागियों का कदम अपने आप बीट से ताल मिलाने लगे। एक ताली और तीन ताली की लयबद्ध गूंज हजारों दर्शकों को भी उत्साह से भर रही थी। दूसरे राउंड के अंत में गरबा रास के साथ डांडियों की खनक भी अभय प्रशाल में गूंजी। प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने के लिए अतिथिगण और शहर के गणमान्य नागरिक भी मौजूद थे। रेसकोर्स रोड नवदुर्गा गरबा मंडल नई दुनिया और रासोल्लास का गरबा पिछले 9 दिनों से लगातार चल रहा है और रोज़ अलग अलग थीम हो रही। आज की कलर थीम है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर में यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे लड़के लड़कियाँ ग्रीन कलर के वेशभूषा में आए हैं और ऑडियंस के लिए भी हमने ग्रीन कलर रखा है, उनको भी ग्रीन फैमिली का प्राइज दिया जाता है। MP न्यूज़ और रेसकोर्स रोड नवदुर्गा गरबा मंडल इसके हमारे प्रायोजक हैं और इसके हम हमेशा ये दोनों जने हमारा सहभागी रहते हैं। काफ़ी समय से आपका आग्रह हो रहा था यहाँ आने के लिए, यहाँ का कार्यक्रम देख के बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छी तरह से अच्छा आयोजन हो रहा था, अच्छा पार्टिसिपेशन लोग कर रहे थे, बहुत सुंदर लगा। एक तो कि यहाँ बहुत ही डिसिप्लिनड वे में गरबा हो रहा था, किसी तरह का गलत माहौल नहीं हो रहा था और बच्चे लोग सभी लोग बहुत अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। ताल ग्रुप ने हिरल कमानी गर्ग के नेतृत्व में गरबा और बॉलीवुड गीतों की जोरदार प्रस्तुतियां दी। हिरल कमानी गर्ग के साथ सिंगर्स विराज सुराना, नीलम कुमार, मनीषा जोशी, संदीप दमानिया ने सुरों का जादू बिखेरा। पर यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है कि एवरी डे भरा हुआ है पूरा, आप देख सकते हैं कहीं पे भी बैठने की जगह नहीं है। अगर कोई 5 लोग जाते हैं तो नए 5 लोग आ सकते हैं और MP न्यूज़ ने ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है कि घर बैठे जो यहाँ पे आ नहीं सकते गरबे देखने को, उनके लिए उन्होंने लाइव गरबा दिखाया है। सो हैट्स ऑफ टू देम, थैंक यू वेरी मच। और ये देशभक्ति के गाने सुनकर ऐसा जोश है और आप भी देखते रहिए MP न्यूज़। आगे आने वाले दिनों में भी हम, जैसे कल है लाल, तो माँ की भक्ति अष्टमी के रूप में हम दिखाएंगे और लास्ट है नवरंग में भी पूरा कलरफुल मल्टी कलर वातावरण रहेगा। और एंजॉय द म्यूजिक विद हिरल कमानी गर्ग एंड ताल फ्रॉम मुंबई, थैंक यू। कुल मिलाकर जैसे जैसे नवरात्रि खत्म होने के पड़ाव पर आ रही है वैसे वैसे गरबे का उत्साह बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर MP न्यूज पर आप रासोल्लास का सीधा प्रसारण हर रात देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज इंदौर।